जर्नल एनवायरनमेंट इंटरनेशनल में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं और अन्य बाहरी प्रदूषण के कारण बच्चों में ऑटिज्म का खतरा 78% तक बढ़ जाता है। चीन में हुए इस शोध में इस बात का खुलासा हुआ है। शोध के अनुसार हवा में घुले खतरनाक सूक्ष्म कण पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के संपर्क के प्रभाव को समझने के लिए शंघाई में कुछ बच्चों को उनके जन्म के समय से लेकर 3 वर्षों तक का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में 124 ASD यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार वाले बच्चों के साथ ही 1240 और स्वस्थ बच्चों को शामिल कर उनमें वायु प्रदूषण और ASD के बीच संबंध की जांच की गई। इस अध्ययन में पहली बार बच्चों के जन्म से लेकर कुछ वर्षों के बाद भी उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले ऑटिज्म के हानिकारक प्रभावों के बारे में पता चला है। ऑटिज्म के कारण यूं तो जटिल हैं और पूरी तरह समझ में नहीं आते हैं, लेकिन अनुवांशिक और अन्य कारकों के अलावा पर्यावरणीय कारकों को तेजी से पहचाना जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वायु प्रदूषण सार्वजनिक रूप से चिंता का विषय है और वैश्विक स्तर पर हर साल 42 लाख लोगों की मौत का कारण बनता है।